हेलो दोस्तों, मैं भावनापुरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बायोफिलिक। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सो बायोटेक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, ये जो चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है, लेकिन हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो फ्रेंड्स, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें वर्ड आ रहा है बायो और यहाँ पर है टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? बायो का मतलब हम सभी जानते हैं लिविंग। तो दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो कि उनसे रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है, जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो कोई माइक्रोब क्यों ना हो, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी भी तरीके की टेक्निक के साथ, ताकि जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, हम उसको ऑब्टेन कर सके, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम डील करेंगे अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द टेक्निक्स टू ऑब्टेन डिजायरेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें कुछ एक दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पेशेंट है जिसको डायबिटीज है, तो जिस पेशेंट को डायबिटीज है उसके अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल होगा वो काफी ज्यादा होगा, राइट। तो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पेनक्रियास प्रोड्यूस करेगा, ठीक है भाई। हो सकता है किसी इंडिविजुअल में इंक्रीज, मतलब जो लेवल हो गया ग्लूकोज का वो इंक्रीज हो गया, लेकिन इंसुलिन की कमी होने की वजह से तो हुआ है। तो वो इंसुलिन क्यों नहीं है उस पर्टिकुलर पेशेंट की बॉडी में? इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हो सकता है कि किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर से या किसी भी और चेंजेस आने की वजह से पैनक्रियास इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो आर्टिफिशियली जो कैटल वगैरह होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा देते थे इंसुलिन लेके दूसरे पेशेंट्स के अंदर, लेकिन उससे पता है क्या हुआ, बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होने लगे। तो इस वजह से अब हम यूज करते हैं किसी दूसरी टेक्निक को, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो किसमें आती है? बायोटेक में आती है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक। सो बेसिकली अब हम आगे देखेंगे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि हम अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट, राइट, किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को हम करेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। आप जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, है ना, आप किसी प्लांट को अगर डिजीज से रेजिस्टेंट करना चाहते हो, तो फिर आप डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स को भी ऑब्टेन करवा सकते हो, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। आपने कोई भी सर्विसेज ऑब्टेन करवाई है, कोई भी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करवाई है, सब चीजें क्या है? दीज आर ऑल दी एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब चीजें वो हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी या इन टेक्निक्स को यूज करके ऑब्टेन करते हैं। तो बेसिकली ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बायोटेक की स्पेसिफिक डिफाइन यानी कि डेफिनेशन बताई। तो ईएफबी का मतलब हम यहां पर लिख रहे हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की जो यूरोपियन फेडरेशन है, इन्होंने अपनी तरफ से एक क्या दिया, डिफाइन दिया, ठीक है। अब जो इनकी डिफाइन है वो क्या है, ये कहना चाहते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ किस किस चीज के बारे में, किस चीज से रिलेट किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यानी कि माइक्रोब्स को किसी भी मॉलिक्यूलर एनालॉग यानी कि डीएनए आरएनए उनको इंटीग्रेट किया है नेचुरल साइंस के साथ, यानी कि टेक्नोलॉजीज के साथ, ठीक है भाई। तो आपसे ईएफबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है और पूछा था कि ईएफबी के हिसाब से जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी डिफाइन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप बताओगे, अकॉर्डिंग टू देम बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयरऑफ विद मॉलिक्यूलर एनालॉग्स टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है भाई।
नाउ व्हाट आर दी एप्लीकेशंस, किन किन फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चे हम देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में, इनको दोनों फील्ड्स में जो है उसके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पर लिख रहे हैं पॉइंट जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। और जो सेकेंड पॉइंट होता है वो होता है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये है क्या बेटा, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स, डीएनए या आरएनए, जो मॉलिक्यूलर एनालॉग है, उनको अल्टर करना बाय मैनिपुलेशन। और जब आप उनके डीएनए या आरएनए को अल्टर करते हो और फिर उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डालते हो, तो क्या होगा, जो चेंजेस आपने डीएनए या आरएनए में किए हैं वो चेंजेस उस पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म के फीनोटाइप को भी चेंज करेंगे, करेक्ट। जैसे कि मैंने अभी बोला था इंसुलिन के बारे में, अगर आपने किसी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया है किसी होस्ट की बॉडी में, तो वो जो डीएनए जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो चीज होस्ट डीएनए में चली गई, वो चीज होस्ट डीएनए के अंदर प्रोड्यूस होगी, जिस वजह से उसका जो फिनोटाइप है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑल्टर किया जाता है डीएनए और आरएनए को, एंड देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल। फिर उसके बाद हम उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इट लीड्स टू द फिनोटाइप या फिर फिनोटिपिक चेंजेस, ठीक है भाई। इससे क्या होता है, फिनोटिपिक चेंजेस आते हैं इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने बात की है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें हम बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए या आरएनए को ऑल्टर किया जाता है ताकि हम उसको होस्ट सेल के अंदर डाल सके, और जैसे ही आप उसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे उसका जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाएगा। सेकेंड इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। भाई एक सिंपल सी बात है, आप किसी भी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करना चाहते हो तो आपके पास लार्ज वेसल्स का होना जरूरी है, कंटेनर्स का होना जरूरी है, और उस कंटेनर में आप उन्हीं डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को या रॉ मटेरियल को रखोगे जो कि आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें, राइट। एक बात बताइए, अगर आपको बियर बनाना है, ठीक है, तो आपने एक यीस्ट के बारे में सुना है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जो कि फर्मेंटेशन करवाते हैं फ्रूट्स वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मान लो कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपके रॉ मटेरियल रखे हुए मोलेसिस वगैरह। ये जो रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट करेगा, अगर आपको बियर बनानी है तो यीस्ट कन्वर्ट करेगा, जिसका एक एग्जांपल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ठीक है भाई। तो ये क्या है, ये एक ऐसा यीस्ट है, एक ऐसी फंगस है जो कि ब्रेड और बियर की फॉर्मेशन करती है, सही है। तो अगर मैं इस कंटेनर में इस यीस्ट के साथ साथ किसी बैक्टीरिया को भी डाल दूं, क्या वो बैक्टीरिया इसके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब है, अगर आप किसी भी डिजायरेबल प्रोडक्ट की, कोई भी डिजायरेबल प्रोडक्ट हो सकता है, किसी भी डिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना चाहते हो, तो उस प्रोडक्ट को फॉर्म करने वाले ही पैथोजन को या माइक्रोब को, सॉरी पैथोजन नहीं बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अपने डिजायरेबल कंटेनर में ग्रो करवाओगे। तो सेकंड चीज, यानी कि बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग ये बताती है कि कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में ही रखें उस सब्सटेंस को जिससे आप अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस, यानी कि एनवायरनमेंट। तो बेसिकली कैसा एम्बियंस, यानी कि कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंटामिनेशन फ्री, किस चीज के लिए, आपके डिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे किस तरीके से डीएनए आरएनए को ऑल्टर किया जाता है, फिर होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड देन अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे की जाए, ठीक है भाई। आपने ये भी पढ़ा है कि जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स थी उसमें क्या कर रहे थे, अपने डिजायरेबल प्लांट को ऑब्टेन कर रहे थे उनकी सेल्फिंग या उनकी क्रॉसिंग करवा के, ठीक है। जैसे कि आपने उसके अंदर क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, ये सब चीजें पढ़ी थी। लेकिन उसमें क्या हो रहा था भाई, मान लो कोई भी दो डिजायरेबल प्लांट्स हैं ए और बी, इसके जो फीचर आपको चाहिए, इसका एक फीचर चाहिए और इसका दूसरा फीचर चाहिए, है ना। आपने इन दोनों के अंदर सेल्फिंग करवाई, जो रिजल्ट आया उसके अंदर वो दोनों ही फीचर्स आ गए जो कि आप चाहते थे, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग से आपके डिजायरेबल प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ऐसे भी फीचर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं विच वर नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं थी। तो अब इस दिक्कत को ओवरकम कैसे किया जाए, इस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को, जिसको आप कहते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, नाउ व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? अगर आपको याद हो कि चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा था कि रिकॉम्बिनेशन क्या है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब भी नॉन पेरेंटल जो डीएनए है उसकी फॉर्मेशन होती है, वो रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब ये मेरे पास कोई डीएनए था, ये मेरे पास दूसरा डीएनए, मैंने क्या किया, अपने इस डिजायरेबल डीएनए को कट करके इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्या अब ये पहले जैसा बचा है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपने एक और डीएनए का सीक्वेंस जोड़ दिया, तो उसका मतलब है ये बिल्कुल नए तरीके का डीएनए बन चुका है। इसी को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन जितना आसान तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया, इस तरीके से है नहीं कि एरो लगाया और बन गया, नहीं, आपको ये डिटेल में पढ़ना है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करती है और कैसे हम किसी भी डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखो उसके लिए आपको एक दो चीजें याद करनी है, समझनी है। सबसे पहला मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, ओ आर आई, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, भाई ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है क्या, ठीक है। और एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, सही है। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं ओ आर आई के बारे में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। भाई देखो हमें पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके पास फॉस्फेट यानी कि फॉस्फरस ग्रुप है, ठीक है। और डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। तो डीएनए की तीन फीचर्स मैंने यहां पर लिखे हैं, पहले लिखा है डबल स्ट्रैंडेड, मैं इसको डी एस आर एन लिख रही हूँ, सॉरी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डीएनए जनरली हम जब पढ़ते हैं कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है भाई। सेकेंड चीज में लिख रही हूँ नेगेटिवली चार्ज, कैसा चार्ज होगा डीएनए पे, नेगेटिवली चार्ज। क्यों है भाई, क्योंकि इसके पास फॉस्फोरस या फिर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है जिसके जो नेगेटिवली चार्ज है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक इसका मतलब है वाटर लविंग, तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। आप जानते हैं कि डीएनए में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो चार न्यूक्लियोटाइड्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है ए टी जी सी, फिर यहाँ पर जी सी सी ए टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ए हमेशा टी के साथ, टी हमेशा ए के साथ, जी सी के साथ और सी जी के साथ। तो ये कुछ सीक्वेंस मेरे पास आ गए हैं, ठीक है भाई। अब आपके पास एक डीएनए का सैंपल है और जो डीएनए पर सेल में जो प्रेजेंट होता है वो लगभग 2 मीटर लंबा होता है। तो इतने लंबे डीएनए के साथ अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो सो इट इज नॉट वेरी इजी। तो आप क्या करते हो, पहले आप उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल करके कट करते हो। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कुछ मॉलिक्यूलर सीजन है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसीलिए क्या है, मॉलिक्यूलर सीजन। और इनका काम क्या है, जो मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं उनका काम है डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रीड करके एक स्पेसिफिक जगह पर कट लगाना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर से कट करते हैं, ठीक है भाई। अब यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। एंडो का मतलब क्या है, अंदर। वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि डीएनए को सीक्वेंस के अंदर कट करेंगे, मान लो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को यहां से बीच में से कट करेगा विद इन द डीएनए। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रही हूं विद इन द डीएनए, सो द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट मेक अ कट विद इन द डीएनए वो एंडोन्यूक्लियस है। लेकिन जो कि एंड्स पे कट लगाते हैं, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट मेक अ कट एट द एंड्स ऑफ डीएनए, तो वो होता है एक्सोन्यूक्लियस, सही है भाई। एंडोन्यूक्लियस जो विद इन द डीएनए कट लगाएगा, एंडोन्यूक्लियस जो विद इन द डीएनए, और एक्सोन्यूक्लियस जो एक्सो मतलब बाहर ना, तो एंड्स पे कट लगाता है ना। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये हमने दो टाइप के देखे, लेकिन जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका नाम था हिंद टू। जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक्चुअली मैं बोलूंगी फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस, मैं एक्सो की बात नहीं कर रही हूँ, जो पहला एंडोन्यूक्लियस है वो हिंद टू है, ठीक है। ये 6 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को पहले रीड करेगा, उसी के बाद ही किसी डीएनए के अंदर कट लगाएगा। तो ये 6 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से हमारा क्या मतलब है, सो बच्चे जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, आप बार बार रेस्ट्रिक्शन वर्ड समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, मतलब वो लिमिटेड है।
वो सीमित है एक स्पेसिफिक जगह तक, ऐसे नहीं कि मूड आया और कहीं भी कट लगा दे, नहीं, वो कुछ डिजायरेबल सीक्वेंसेस है, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है, उन्हीं को रीड करके वहीं पर ही कट लगाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रही हूँ ई को आर वन के बारे में। ये जो नाम मैंने लिखा है ई को आर वन, हिंद टू, ये नाम कैसे आए, कहाँ से आए, तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है इनको बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, और बैक्टीरिया के कौन से स्ट्रेन से ऑब्टेन किया जा रहा है, उसका साइंटिफिक नेम क्या था, कौन से नंबर पे किस एंजाइम को डिस्कवर किया जा रहा है, इसी आधार पर, इसी बेसिस पर इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो जैसे कि इको आर्गन को इश्रेरिया कोलाई, जिसको आपने शॉर्ट में इकोलाई बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, इको आर्गन को इकोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया, आइसोलेट किया गया। तो इश्रेरिया का ई हमने कैपिटल लिया है जीनस, कोलाई जो स्पीशीज है उसका सीओ स्मॉल ले लिया स्पीशीज, आर का मतलब है रफ स्ट्रेन, जिस बैक्टीरिया में से निकाला गया था उसका स्ट्रेन क्या था, रफ, और वन का मतलब है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेमिंग यानी कि नॉमेनक्लेचर होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है उस बैक्टीरिया के ऊपर जिसमें से हमने उन एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट किया है। तो अब तक लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड। अभी तक हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट कर लिया है फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन्स में से हमने लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, तो मैंने बताया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पर ही कट लगाते हैं, सो द सीक्वेंस वेयर अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मेक्स अ कट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट और रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो रिकॉग्निशन साइट और रिकॉग्निशन सीक्वेंस का क्या मतलब है भैया, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसपे सीक्वेंस है GAATTC, ये यहां पर भी था और एक यहां तक चलता जा रहा, बहुत ही लंबा डीएनए था। ठीक है, तो जो इको आर्गन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने क्या किया, एक स्पेसिफिक साइट को ढूंढा पहले, तो भैया GAATTC था, मुझे वही चाहिए। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, GAATTC है ना। तो यहां पर क्या है, आप देख रहे हो अगर ये 5' से 3' की डायरेक्शन में है और ये 3' से 5' की डायरेक्शन में, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री तो होते हैं। जब आप 5' से 3 के डायरेक्शन में इसको पढ़ोगे तो इट विल बी लाइक GAATTC, और अगर इसको भी आप 5' से 3 के डायरेक्शन में पढ़ते हो तो ये भी बिल्कुल सेम है GAATTC। ठीक है, तो इस तरीके के सीक्वेंसेस जो कि सेम तरीके से पढ़े जाते हैं, विच आर रेड सेम, अगर आपने उनको रीड करने के डायरेक्शन को सेम रखा है, मतलब अगर 5' से 3' की ही डायरेक्शन में आप दोनों स्ट्रैंड से उसको रीड करोगे तो वो बिल्कुल सेम सीक्वेंसेस होंगे, यहां से भी GAATTC, यहां से भी GAATTC। तो इस तरीके के सीक्वेंसेस को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहा जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इसका एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, मलयालम। तो जो मलयालम को आप लेफ्ट से पढ़ोगे तो भी आप ऐसे ही प्रोनाउंस करोगे और राइट से पढ़ोगे तो भी ऐसे। तो सिमिलरली वो सीक्वेंसेस जो कि ओरिएंटेशन अगर सेम रखी जाए तो सेम रीड किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है एंडोन्यूक्लियस इकोआर्बन, वो हमेशा GAATTC को ही रिकॉग्नाइज करेगा और हमेशा जी और ए के बीच में कट लगाता है। तो यहां पर भी और यहां पर भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में वो जी और ए के बीच में ही कट लगाएगा, और जो नए यहां पर देखिए जैसे ही सेपरेट हो जाता है तो वो सीक्वेंस अलग और नीचे वाला सीक्वेंस अलग। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम है कि डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करना और उनको डिवाइड करना। ठीक है, तो यहां पर हमने एंडोन्यूक्लियस के बारे में देखा कि वो किस तरीके से काम करेगा, जो एंडो और एक्सो दो तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं, सबसे पहला कौन सा था, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है ना। तो ये सब फीचर्स हैं जो कि आपको इसके बारे में याद रखने हैं। नाउ व्हाट इज ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बच्चे सभी क्रोमोसोम्स या सभी डीएनए के सीक्वेंसेस में कुछ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो ORI का मतलब क्या है, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए
the sequence of DNA from where replication begins. भैया DNA का एक ऐसा सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी, उसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो अगर आप किसी भी फॉरेन DNA को लाइगेट करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो किसी भी अपने डिजायरेबल DNA की फॉर्मेशन के लिए, तो कौन से जगह पर जोड़ोगे अपने फॉरेन DNA को? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब आप होस्ट सेल के अंदर अपना डिजायरेबल DNA इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ऐसी ही जगह पर डालना में सही रहेगा, फायदा होगा, जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, ताकि आपका डिजायरेबल DNA बार बार रेप्लिकेट कर सके, ताकि आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सको. सो एक प्रोसेस है जिसको क्लोनिंग कहा जाता है. क्लोनिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपीज, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायरेबल जीन और DNA. ऑफ डिजायरेबल जीन और DNA मतलब किसी भी डिजायरेबल जीन या DNA की अगर मल्टीपल कॉपीज आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो उसके मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है, उसकी जो ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज बन रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग. तो क्लोनिंग के लिए हमें एक वेक्टर की भी जरूरत होगी, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और DNA लाइगेज क्या है. एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके फॉरेन DNA को आपके वेक्टर DNA के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, चिपकाएगा. लाइगेट करना मतलब जोड़ना, तो यहाँ पर DNA लाइगेज का मतलब है आपके डिजायरेबल DNA को जोड़ना. सो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने पढ़े, वो आए कहां से, किसने डिस्कवर किया, वो चीज आपको पता होना चाहिए. सो बेसिकली दो साइंटिस्ट है, कॉयन एंड बॉयर, हर्बर्ट कॉयन. तो बेसिकली ये जो दोनों साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया था, ठीक है, तो सेल्मोनेला टाइफी म्यूरियम एक बैक्टीरिया था. तो उन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले जो एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था. तो यहाँ पर कोहेन एंड बॉयर, तो हम ऐसा कह देते हैं कि जो कोहेन एंड बॉयर है, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट DNA की फॉर्मेशन की थी पहले सबसे, ठीक है. तो जो कोहेन एंड बॉयर, उन्होंने क्या किया था, वो एक एक्सपेरिमेंट कर थे बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम है सेल्मोनेला टाइफी म्यूरियम. तो जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कोहेन एंड बॉयर ने सेल्मोनेला टाइफी म्यूरियम के जो प्लाज्मिड है उसके अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है भाई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस करवाया, लाइगेट करवाया. तो वो DNA लाइगेज की मदद से, लेकिन कट किसकी मदद से किया होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से. सो एज अ रिजल्ट एक DNA फॉर्म हुआ जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA. फिर से मैं आपको बता दूं, हमारे पास ये फॉरेन DNA है, हमारे पास एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को वेक्टर DNA भी कहा जाता है ना. वेक्टर वो होता है जो कि हमारे डिजायरेबल DNA को होस्ट सेल के अंदर पहुंचा दे, ठीक है. तो जो प्लाज्मिड है, वो बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, सही भाई. तो ये मान लो ये मेरा फॉरेन DNA, ये वो DNA जिसकी मुझे जरूरत है, और ये आपका प्लाज्मिड है, ये है आपका प्लाज्मिड. तो आपने क्या किया, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके अपने डिजायरेबल DNA की सीक्वेंस को कट किया. तो जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके आपने अपने फॉरेन DNA को कट किया है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके आप प्लाज्मिड में भी एक कट लगाओगे, है ना. तो अब क्या होगा, आपका डिजायरेबल DNA ये रहा, यहाँ पर ऐसे सेपरेट हो गया, और ये जो आपका प्लाज्मिड है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये जगह खाली हो गई है. अब आप क्या करोगे, अपने डिजायरेबल जीन या DNA को DNA लाइगेज की मदद से, जोड़ दो. तो जैसे ही आपने अपने डिजायरेबल जीन को प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस किया, नाउ इट हैज बिकम अ रिकॉम्बिनेंट DNA. अब वो कैसा DNA बन गया है, अब वो एक रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया. अब आप क्या करोगे, इस रिकॉम्बिनेंट DNA को इंट्रोड्यूस करोगे एक होस्ट बैक्टीरिया में, होस्ट सेल के अंदर, ताकि वहां जाकर ये क्या करे, क्लोनिंग करे. क्लोनिंग करेगा मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाएगा आपके डिजायरेबल DNA. जो आपका डिजायरेबल DNA था वो इंट्रोड्यूस हो चुका है बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट बैक्टीरिया. जैसे ही उसके अंदर जाएगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, और उसकी प्रोजेनी में आपका डिजायरेबल जो जीन है, जो DNA, वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है भाई.
तो बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, अगर मॉलिक्यूलर सीजर्स की डिस्कवरी नहीं हुई होती तो फिर हम ये जो प्रोसेस आज परफॉर्म कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया थे, तो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कौन करता है, बैक्टीरियोफेजेस। तो जो बैक्टीरिया है वो कुछ ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट कर रहे थे जो कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ ही नहीं होने दे रहे थे बैक्टीरिया के अंदर। मतलब बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। अब वो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने के लिए जब गया तो वो मर गया। कैसे मर गया? क्योंकि उस बैक्टीरिया ने कुछ ऐसे केमिकल्स को सिंथेसाइज किया था जो कि बैक्टीरियोफेजेस की ग्रोथ नहीं होने दे रहा था, एंड दीज वर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक साइट पर कट लगाते हैं और वायरस की ग्रोथ को रोक देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ा है, बाकी जो इसके टॉपिक्स है वो हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।